इंडस्ट्री में बॉलीवुड की क्वीन एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने फिल्म मर्दानी से बीते साल हर किसी के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। जिस तरह का रूप उन्होंने बतौर फीमेल कॉप दिखाया, फिल्म में उनकी कहानी को ही नहीं बल्कि रानी मुखर्जी के किरदार को भी काफी पसंद किया गया। ऐसे में रानी की इस तरह की फिल्मों का फिर बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे हैं। और इन सभी के बीच रानी की फिल्मों से हटकर उनकी निजी जिंदगी को लेकर हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं। रानी के पिता राम मुखर्जी फिल्म मेकर थे, ये तो जानते ही हैं आप, बंगाली फिल्मों के मेकर थे वो। करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अर्जी थी। फिल्मों के मामले में उन्हें काफी ज्यादा मशहूर मेकर जाना जाता था। ऐसे में रानी मुखर्जी जब बॉलीवुड में आई तो एक से बढ़कर एक फिल्में 90s में करने के बाद रानी मुखर्जी और भी ज्यादा कामयाब हुई। ऐसे में उनकी मॉम के हाथ करोड़ों की संपत्ति उनकी बेटी की वजह से लगा ही। इसी के साथ साथ रानी मुखर्जी की मॉम को लेकर हम ये भी आपको बताना चाहेंगे। उनकी मॉम कृष्णा जो है सो बॉलीवुड टाउन के इवेंट फंक्शन में बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन वो बॉलीवुड टाउन की अभिनेत्रियों की तरह इस उम्र में शौकीन है। उन्हें श्रृंगार करना काफी पसंद था। राम मुखर्जी रानी के पिता के गुजरने से पहले तक वो काफी ज्यादा सज धज कर सवर कर नजर आती थी। खैर वो शौक तो अब पूरा नहीं कर सकती वो, लेकिन फिर भी अपने अंदाज से वो हमेशा ही अपने व्यवहार से अपने परिवार को एकजुट करके रखती है, जिनके बीच जिनका परिवार के लिए प्यार ही उनके दिल में सब कुछ रहा है। हमेशा से परिवार के लिए उनका प्यार बेहद खास बेहद लाजवाब रहा है। परिवार के बीच हमेशा रानी मुखर्जी अपनी मॉम का खास ख्याल रखती रही हैं, क्योंकि मॉम भी बहुत सजने संवरने में रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।